वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं शाहिब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में करने जा रहे हैं हम रिव्यू ट्रिबिट के एक और नए एक्साइटिंग स्पीकर का। नाम है दोस्तों इसका ट्रिबिट स्टॉर्म बॉक्स 2। इस स्पीकर के अंदर दोस्तों हमें 34 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता है और ये IPX7 रेटेड भी है। साथ ही साथ एक्स बेस की टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पे भी किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में डिटेल में चेकआउट करते हैं इस कमाल के स्पीकर को। स्टॉर्म बॉक्स 2 पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर दोस्तों हमें 5 to 6,000 के बीच में देखने को मिल जाता है अमेजोन के ऊपर। बाकी अगर कोई ऑफर वहाँ पर अप्लाई होता है तो ये 5,000 के अराउंड भी आ जाता है। तो चलिए आते हैं बॉक्स के ऊपर। तो ये है ट्रिबिट स्टॉर्म बॉक्स 2 पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर का बॉक्स। 24 आवर्स का प्ले टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है। 17 वॉट के दो स्पीकर यहाँ पर यूज करे गए। 360 डिग्री साउंड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। देन दिस इज IPX7 वाटरप्रूफ। लेफ्ट साइड में आए तो जैसा कि मैंने कहा ये एक्स बेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो काफी कमाल का बेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हैंड्स फ्री कॉलिंग का भी यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, तो आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं स्पीकर के साथ। ब्लूटूथ वर्जन आता है 5.3। स्टीरियो पेयरिंग का भी ऑप्शन है, आप दो स्पीकर्स को आपस में पेयर करके अपना जो साउंड का एक्सपीरियंस है उसको एनहेंस कर सकते हैं। एंड लास्टली ट्रिबिट की एप्लीकेशन का भी सपोर्ट दिया गया है, उसको भी हम चेकआउट करेंगे। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। देन वी हैव चार्जिंग केबल टाइप ए टू टाइप सी की आपको चार्जिंग केबल मिल जाएगी। साथ ही साथ यूजर मैनुअल भी यहाँ पर आती है। यूजर मैनुअल के अंदर इसके सारे स्पेक्स और जो फीचर्स हैं वो मेंशन हो जाते हैं। स्पीकर के ऊपर आते हैं दोस्तों, तो ये हमारे पास स्टॉर्म बॉक्स 2। साइज इसका मुझे काफी कॉम्पैक्ट लगा फर्स्ट इंप्रेशन में। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे फैब्रिक देखने के लिए मिल जाता है, काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे फैब्रिक फिनिश दिया गया है। देन यहाँ पे सामने की तरफ आ जाते हैं इसके वॉल्यूम के बटन और एक प्ले एंड पॉज का बटन। वॉल्यूम के बटन काफी बड़े दिए गए हैं, तो इनको यूज करके आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। प्ले एंड पॉज का जो बटन आता है दोस्तों सामने की तरफ, इसको अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो आपका जो सॉन्ग है वो पॉज हो जाता है, प्ले हो जाता है। दो बार प्रेस करने पे आप नेक्स्ट ट्रैक पे पहुंच जाते हैं और तीन बार प्रेस करने पे आप प्रीवियस ट्रैक पे चले जाते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ट्रिबिट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बैक साइड में आपको बहुत सारे यहाँ पे बटन्स दिखाई दे जाते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे पावर का बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके आप इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। देन वी हैव ब्लूटूथ पेयरिंग बटन, इसको अगर आप ऑन करते हैं तो ये ब्लिंक करती है लाइट, जब आपका फोन कनेक्ट हो जाता है तो ये जो लाइट है स्टिल हो जाती है। देन यहाँ पे एक्स बेस का बटन दिया गया है, इसको आप इक्विलाइजर का बटन भी कह सकते हैं। एक्स बेस टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों जो हमारा बेस होता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है, काफी ज्यादा बेस बूस्ट आपको मिलता है। और इसी बटन को आप यूज करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं अलग इक्विलाइजर्स अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं। ये एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। देन जो लास्ट यहाँ पे आपको बटन मिलता है ना, ये है TWS पेयरिंग का बटन। आप ऐसे दो स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस बटन को यूज कर सकते हैं, जिससे जो आपका पावर आउटपुट होगा वो लगभग 70 वॉट के आसपास पहुंच जाएगा। तो एकदम पार्टी वाला मूड अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज कर लीजिएगा। देन नीचे की तरफ आपको एक सिलिकॉन की यहाँ पे कवरिंग मिलेगी, इसको अगर आप रिमूव करते हैं तो अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऑक्स का इनपुट मिल जाता है, इसको यूज करके आप सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। चार्जिंग का जहाँ तक सवाल है, इसको आप चार्ज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाता है। बैटरीज यहाँ पे 2600 mAh की दो यूज करी गई है, तो टोटल जो बैटरी का साइज होता है 5000 mAh के आसपास बनता है। प्लेबैक बताया गया 24 आवर्स का, अगर आप इसको कंटिन्यूअस 24 आवर्स तक प्ले करते हैं 50% वॉल्यूम के आसपास तो ये आपको 24 आवर्स तक का बैकअप दे देगा। वेट यहाँ पे है दोस्तों इसका 580 grams के आसपास, तो ये बहुत ज्यादा हैवियर साइड पर नहीं है, आप इसे इजिली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं, पार्टी वार्टी करनी है आपको, आउटिंग पे जाना है वहाँ पे इसको यूज करना चाहते हैं तो इजिली यूज कर पाएंगे। एक तरीके से पोर्टेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है। कनेक्टिविटी स्पीकर की काफी कमाल की दोस्तों, ब्लूटूथ 5.3 के साथ ही आता है, आप इसे इजिली पेयर कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ। और पेयरिंग भी काफी फास्ट रहती है, जस्ट आप ऑन करते हैं, एक बार आपने पेयर किया हुआ है तो फटाफट पेयर भी हो जाता है। ट्रिबिट की एक एप्लीकेशन आती है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये काफी कमाल की एप्लीकेशन है। इसमें आपको अपने स्पीकर को जस्ट एक बार ऐड कर लेना होता है। माई डिवाइसेज में कनेक्ट होने के बाद आपको अपना स्पीकर दिखाई दे जाता है। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ट्रिबिट स्टॉर्म बॉक्स 2। और इसके होम पेज में जब आप आते हैं स्पीकर के सेक्शन में, तो आपको सबसे पहले बैटरी के लेवल्स वहाँ पर शो हो जाते हैं, तो आपको एक आइडिया रहता है कि आपके स्पीकर में कितनी चार्जिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एक स्लाइडर दिया गया है, उसको यूज करके आप वॉल्यूम को डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। देन यहाँ पे म्यूजिक का प्ले पॉज का बटन है, नेक्स्ट ट्रैक पे जाना हो तो नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। इक्विलाइजर का जो दोस्तों सेटिंग्स का पेज आता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्स बेस ऑफ दिखाई देता है, उसके नीचे एक्स बेस ऑन करने का ऑप्शन है। और जो मजा सॉन्ग को सुनते टाइम एक्स बेस ऑन करने के बाद आता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है, अभी आपको सॉन्ग का टच भी करके दिखा देंगे। देन नीचे कुछ और यहाँ पर प्रीसेट दिए गए हैं, जैसे कि ऑडियो बुक है, क्लासिकल है, रॉक है, जैज है,
तो आपको जो भी इक्वलाइजर का प्रीसेट यूज करना है अपने सॉन्ग के हिसाब से वो आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमाइजेबल इक्वलाइजर का भी ऑप्शन आता है। कस्टमाइज के सेक्शन में जाकर के आप अपने हिसाब से कोई भी एक सेटिंग रख सकते हैं। लेवल्स यहाँ पर भी आपको ऊपर नीचे करने वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स का पेज आता है। सेटिंग्स के सेक्शन में आपको फर्मवेयर का वर्जन दिखाई दे जाएगा। कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं। डिवाइस नेम यहाँ पे आता है। उसके बाद काउंट डाउन टू शट डाउन का ऑप्शन है। वॉइस प्रॉम्प्ट के भी फीचर को आप ऑन कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी लो हो जाएगी तो ये आपको बता देगा। लो बैटरी का बीप का ऑप्शन है। मैक्सिमम वॉल्यूम, TWS, पेयरिंग का बीप, ये सारी चीजें अगर आपको ऑन रखनी तो ऑन कर लीजिए या फिर ऑफ कर लीजिए। देन यहाँ पे इक्वलाइजर बटन की सेटिंग आती है, जो आपको अपने स्पीकर के ऊपर एक्स बेस नाम से एक बटन मिलता है, उसको आप सेट कर सकते हैं। जब इस एक्स बेस की लाइट ऑफ होती है उस टाइम पे आपको कौन सा इक्वलाइजर रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। जनरली ये एक्स बेस ऑफ रहता है जब आपकी लाइट ऑफ रहती है, और जब व्हाइट लाइट यहाँ पर ऑन होती है एक बार प्रेस करने के बाद, तो आपको कौन सा इक्वलाइजर रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वैसे एक्स बेस की टेक्नोलॉजी काफी कमाल की है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक्स बेस को ही ऑन रखें। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कोई और इक्वलाइजर अगर लगाना है इस बटन के ऊपर तो आप वो लगा सकते हैं। तो इक्वलाइजर बटन का फीचर भी इस स्पीकर के अंदर काफी यूजफुल है। तो चलिए एक बार इसका साउंड टेस्ट आप लोग देख लीजिए किस तरह की आपको यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिलती है अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स। आपको लेवल भी शो कर देंगे कितनी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम पे कैसी क्वालिटी आ रही है। ऑडियो क्वालिटी स्पीकर की मुझे काफी जबरदस्त लगी दोस्तों। स्पेशली जो इसमें बेस आपको मिलता है वो काफी नेक्स्ट लेवल मिलता है। बहुत सारे इक्वलाइजर्स के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं सॉन्ग सुनते टाइम। और सॉन्ग के अंदर जो दोस्तों वोकल्स की क्लैरिटी होती है वो आपको काफी नेक्स्ट लेवल मिलती है, काफी रिच एंड क्लियर साउंड एक्सपीरियंस आपको देता है। प्राइसिंग के हिसाब से मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली स्पीकर के साथ। काफी कमाल के फीचर्स दिए गए हैं। IPX7 ये रेटेड भी है, तो पूरा वाटरप्रूफ स्पीकर है। पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। आप इसको आउटडोर में इजिली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, और कहीं भी पार्टी का मूड बनता है आपका तो आप इस स्पीकर को ऑन कर सकते हैं। प्राइसिंग जैसा कि मैंने आपको बताया 6,000 रुपीज के आसपास ये सेल होता है अमेजोन के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के आप इसको परचेज कर पाएंगे अगर आपको स्पीकर पसंद आता है तो। साथ ही साथ हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों 100K सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे हमने गिव अवे रखा हुआ है। गिव अवे कॉन्टेस्ट लाइव है दोस्तों, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर के आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 30 डेज का ये दोस्तों गिव अवे हमने रखा है। यहाँ पे 5,500 रुपीज तक के प्राइजेस आप लोग जीत सकते हैं। टोटल 3 विनर्स हम यहाँ पे लाइव निकालने वाले हैं गिव अवे कंप्लीट होने के बाद, तो आप लोग जाकर के जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह से हम लोग क्वालिटी टेक वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तरह हैव अ नाइस डे।